The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी का मामला अभी सुर्खियों में ही था कि इसी बीच मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज से एक बच्चा चोरी कर लिया गया है। एक दिन के बच्चे को चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। बुधवार को दिन भर मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छानबीन व संवेदना रखने वालों का तांता पीड़ित परिवार के पास लगा रहा। पुलिस का कहना है कि बदमाश बच्चे को बाइक से लेकर गया है। सीसीटीवी छानबीन में भी यही सामने आया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी दो दिन पहले ही मथुरा स्टेशन से एक 7 माह के बच्चे को चुरा लिया गया था। दो दिन बाद वह भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल के घर से बरामद हो गया था। पुलिस ने पार्षद व बांके बिहारी हॉस्पिटल हाथरस के संचालक डॉक्टर प्रेम बिहारी, उनकी पत्नी डॉक्टर दयावती समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर बच्चे को बरामद कर लिया था। दरअसल किठोर थाना क्षेत्र के महलवाला गांव के नीनू ने अपनी पत्नी को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। सोमवार दोपहर पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। बाद में युवक बच्चे को यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि वह स्टाफ है और नर्स ने इंजेक्शन के लिए बच्चे को मंगाया है। वह बच्चा ले गया और वापस नहीं लौटा। आज पुलिस ने पीड़ित परिवार समेत तमाम अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही छानबीन भी की है। इस बारे में एएसपी विवेक यादव ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, ऐसा प्रकरण संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए थे। इसके अलावा सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि जो ये बच्चा चोरी करने में सम्मिलित है वो किसी बाइक से आया था, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज से जांच करके उस बाइक की भी तस्दीक की जा रही है और बहुत ही जल्द से जल्द इस प्रकरण का अनावरण कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जिस पिता और जिस माता के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, बच्चा चला गया है, उसकी सबसे पहले बरामदगी की जाए, सकुशल उसको वापस लाया जाए। उसके बाद में जो भी मेडिकल में आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीज़ों को बता रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी कुछ ना कुछ अवश्य निर्णय लिया जाएगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।